उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक दबंग युवक ने बीएड की छात्रा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और भाग गया। पीड़ित की मां ने आग बुझाने की कोशिश तो की पर वो भी आग में झुलस गई। पीड़ित युवती और उसकी मां का मुरादाबाद के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, एक अंजू सागर और एक वीरवती। हाँ। अंजू सागर लगभग 60-70% सुपरफिशियल ड्यूटी पर है इसका। हाँ। और वो थोड़ा अभी होश में नहीं है। इन पेशेंट को भी हम देख रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं है। अंजू की कितनी उम्र होगी लगभग? ये अंजू सागर की एज करीब 22-24 साल है। किस तरह की इंजरी है, जली किस तरह से है? मतलब ये तो खैर ये लोग बताएंगे किस तरह से जली है, लेकिन सुपरफिशियल हम लोग को बर्न है, ये देखते हैं सुपरफिशियल तो डीप बर्न है किसी आग से। 60% जली हुई? हाँ, 60-70%। क्या ये खतरे में माना जाता है या? हाँ, ये खतरे में। अच्छा, और ये जो इनकी मदर हैं? ये फिलहाल देखिए 30% ऊपर हर बर्न में खतरा हो सकता है। ये कितने प्रतिशत जली हुई? 60-70% बर्न है। 60% 60-70% मतलब एकदम एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते। दो चार जो मदर है उनकी, इनका ये 25-30% के। अच्छा, क्या ये भी खतरे में माना जाता है? ये एग्जैक्ट इस समय तो नहीं खतरे में, लेकिन इन्फेक्शन हो जाए, सेप्सिस हो जाए तो उनको खतरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर आर एस गंगवार। आर एस गंगवार, मेरी लड़की उजला गया, मैं अभी लड़की फैल के पड़ी तो मैं जल गई। क्या नाम था उस लड़के का? बंटी। अच्छा, आपकी बेटी को जलाया उसने? हाँ। क्यों? उससे लिपट पड़ी मैं लड़की से अपनी से। अच्छा, तो मैं जल गई, बस मेरा पेट जलाया, हाथ जलाया। अच्छा। और ये भरी ना मेरी बच्ची की। तो उस लड़के ने क्यों जलाया आपकी? वो लड़का जो मेरी लड़की से छेड़छाड़ करता था बहुत दिनों से, तो हमने एक बार डांट दिया, फिर वो जबरदस्ती कर लेता लड़की से। अच्छा, हम मैं ऊपर थी वो नीचे थी, तो मट्टी का तेल लागा और तिल्ली खेत गया। पकड़ा नहीं गया वो लड़का भी? और मैं पकड़ लेती, मैं मोटी ताजी में से उतरा ना जाता जी ना। तो वो भाग गया? हाँ, भाग गया। आपने पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस जल्दी कैसे आ जाए? अभी रिपोर्ट दर्ज करा दी? करते थे क्या? रवि कुमार, ये बताइए क्या हुआ? सर, मेरी बहन घर पर अकेली थी, मम्मी को छत पे सो रही थी। हाँ। तो एक लड़का है बंटी कुमार नाम का सर। हाँ। तो मेरी बहन से एक तरफ मोहब्बत करता था। अच्छा। उसने कई बार छेड़छाड़ी भी की, उसके मना करने पर वो ज़्यादा गुस्से आ गया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो मिट्टी के तेल की बोतल लाया, उसके ऊपर लौट के वो तिल्ली खींच दी, आग लगा दी। आग मतलब? लगा दी। कितनी उम्र है आपकी बहन की? मेरी बहन की 22 साल की उम्र है। क्या पढ़ती हैं? हाँ जी जी, बीएड पार्टनर कर रही है। अच्छा, कौन से गांव में रहते हो? मलीपुर महमूद। खाना कौन सा आपका? खाना उधर की। अच्छा, तो कौन कौन जला उसको बुझाने में? फिर वो मम्मी भी आई उसको बुझाने के लिए। हाँ, उधर गई, वो झुलस गई, पेट जल गया, हाथ जल गया। जिस लड़के ने आग लगाई उसका क्या नाम है? बंटी कुमार। अच्छा, वो क्या करता है? सर, किसान है। अच्छा, कब की घटना है ये? सर, कल शाम 7 बजे की। तो रिपोर्ट दर्ज हो गई आपकी? सर, रिपोर्ट हम कराने गए थे, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी सर। किसने? दरवाजे से। कौन सा थाना है? थाना पुधर की। क्या पुलिस वालों ने मना कर दिया रिपोर्ट दर्ज करने? जी सर, वो उल्टा आरोप हम पे थोप रहे थे सर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? सर, हम न्याय चाहते हैं। आपका क्या नाम? सर, रवि कुमार।